जय हिंद दोस्तों। जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बहुत बेहतरीन तरीके से आरबीसी तथा डब्ल्यूबीसी के बारे में बताया था, आरबीसी क्या होती है, डब्ल्यूबीसी क्या होती है, महत्वपूर्ण जानकारी मैंने देने का कार्य किया था। आपको बता दें जो आरबीसी होती है उसका जो जीवन काल होता है 120 दिन का होता है। आप लोग समझ रहे होंगे जो कि आपके एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण होगा। हमने आरबीसी पढ़ा, डब्ल्यूबीसी पढ़ा और आज प्लेलिस्ट को पढ़ने का काम करेंगे। प्लेलिस्ट क्या होता है समझिएगा, यानी इसको बोलते हैं क्या कार्य करता है हमारे शरीर में, इसके बारे में देखिए। प्लेलिस्ट जो होता है, प्लेलिस्ट इसे हम थ्रोम्बोसाइटी बोलते हैं। जब मैंने आपको डायग्राम में बहुत बेहतरीन तरीके से बताया था किस प्रकार डायग्राम बनाना है और डब्ल्यूबीसी का नाम, आरबीसी का नाम तीन भागों में डिवाइड, रुधिराणु को तीन भागों में डिवाइड किया था, जिनमें से एक भाग को हमने आरबीसी तथा डब्ल्यूबीसी तथा तीसरे भाग को हम प्लेलिस्ट जो होता है, तीसरे भाग को आज हम पढ़ने का कार्य करेंगे। समझिएगा, प्लेलिस्ट जो होते हैं इसे हम थ्रोम्बोसाइट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इसका एक नाम होता है जिसे थ्रोम्बोसाइट बोलते हैं। यह रक्त का थक्का बनाने में मदद करता है। किसका भैया जी, ब्लड का, ब्लड क्लॉटिंग यानी रक्त का थक्का बनाने के लिए अति महत्वपूर्ण होता है। जब कभी भी हमें चोट लग जाती है किसी स्थान पर तो उस पर ब्लड सर्कुलेशन यानी रक्त को रोकने का जो कार्य करता है वो कौन करता है, आपको बता दें प्लेटलिस्ट जो होती है वह काम करती है। यह रक्त का थक्का बनाने में महत्वपूर्ण अपना योगदान देने का कार्य करती है। यह रक्त के बहाव को रोकती है। क्या करती है भैया जी, यह जो रक्त होता है, रक्त फ्लोर कर रहा है यानी बाहर निकल रहा है, उसको रोकने का कार्य करती है। यह रंगहीन होती है। कैसी होती है कहना सर जी, यह रंगहीन होती है, इसका कोई भी रंग नहीं होता है। इसका जो जीवन काल होता है वो 4 से 5 दिन का होता है। याद रखिएगा, महत्वपूर्ण क्वेश्चन जीवन काल से अति बेहतरीन तरीके से क्वेश्चन बनते हैं। आपको प्रत्येक क्वेश्चन को याद करना होगा जिससे कि आपके जीवन में कष्ट उत्पन्न ना हो। जो आरबीसी होता है मैंने आपको बताया, उसका जो जीवन काल होता है 120 दिन का होता है, जबकि प्लेटलिस्ट जो होती है उसके जीवन काल जो होता है 4 से 5 दिन का जीवन काल होता है। इसके बाद आपको बता दें प्रति घन मीटर क्या होता है। प्रति घन मीटर में इनकी संख्या 2 या 3 लाख होती है, प्रति घन सेंटीमीटर में। समझिएगा, प्रति घन मीटर में इनकी जो संख्या होती है 2 या 3 लाख में होती है। क्या होती है, 2 या 3 लाख में होती है। डेंगू की बीमारी में इसकी संख्या 80,000 से कम हो जाती है, जिससे कि हमें डेंगू बीमारी हो जाती है। अति महत्वपूर्ण हो जाएंगी चीजें, आप लोग थोड़ा सा समझिएगा। जब भी हमें डेंगू की जांच कराने के लिए डॉक्टर कहता है कि भैया जी आपको बुखार है, उतार नहीं रहा है, दवाइयां कार्य नहीं कर रही हैं, तो डेंगू शायद आपको हो सकता है, आप डेंगू की जांच कराइए। आपको बता दें अगर आप अपने जीवन में पैसे को बचाना चाहते हैं तो साइंस भी पढ़िएगा, आपके आधे पैसे तो वैसे ही बच जाएंगे। आपको बता दें जब भी डेंगू का जो रोग होता है वो असर करता है कहाँ, प्लेलिस्ट पर असर करता है। आप डेंगू की जांच ना कराकर प्लेलिस्ट की जांच कराएंगे तो उसमें आपको पता चल जाएगा। जब इनकी जो संख्या है 80,000 से कम हो जाएगी तो आपको समझ जाना चाहिए कि नहीं, डेंगू हमें हो चुका है। क्योंकि यह जो कमी होती है यह केवल केवल डेंगू के मरीजों में देखने को मिलती है और किसी भी मरीजों में नहीं मिलती है। तो जब इनकी संख्या 80,000 हो जाती है, 80,000 से भी कम होने लगती है, तो हम डेंगू रोग से प्रभावित होने लगते हैं। तो आप इसकी जांच होती है प्लेलिस्ट की जो जांच होती है ना भैया जी, वो मुश्किल से 100 रुपये 150 रुपये में हो जाती है, 150 रुपये से ज़्यादा नहीं लगते हैं। इसके अलावा जब आप डेंगू की जांच कराने के लिए जाते हो, कम से कम भैया जी 500 रुपये का तो चालान कटना ही कटना है। 500 की पत्ती जाएगी एक, फिर उसके बाद इससे अच्छा तो 100 150, कहीं कहीं तो 50 50 रुपये में भी हो जाता। कोई बड़ी जांच नहीं होता, हल्का सा ब्लड निकाल के देख लिया जाता, कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। हैं, इसके बाद बात करेंगे अगला हेडिंग की, रक्त का कार्य क्या होता है। अति महत्वपूर्ण, यहाँ सर एग्जामिनर क्वेश्चन करने का काम करता है। एग्जामिनर क्या सोचता है आपको उसी तरीके से सोचना है जिससे कि आपके जीवन में कष्ट उत्पन्न ना हो। आपको बहुत बढ़िया तरीके से, आखिर एग्जामिनर क्या सोचकर क्वेश्चन बनाता है वही बात सोचनी है हमें, जिससे कि हम उसके जो लॉजिक है, उसके थॉट है, उसको हम पकड़ने का कार्य कर सकें। आप समझिएगा रक्त का कार्य क्या होता है। रक्त क्या होता है, रक्त पचे हुए भोजन यानी पदार्थ का परिवहन करता है। पचा हुआ भोजन के परिवहन करने का कार्य कौन करता है, कहना सर जी ये ब्लड होता है यानी रक्त होता है, यही इसका कार्य करता है।
रक्त का कार्य होता है, रक्त पचे हुए भोजन का परिवहन करता है। क्या करता है? पचे हुए भोजन का परिवहन करने का कार्य रक्त करता है। आगे समझेगा, अति महत्वपूर्ण चीजें यहाँ से होने का कार्य करेगी। समझेगा, रक्त जो होता है, रक्त हार्मोन CO2 तथा O2 का परिवहन करता है। CO2 तथा O2 का परिवहन किस प्रकार करता है? मैंने आपको कई पिछली वीडियो में बताया है कि CO2 और O2 का परिवहन किस प्रकार होता है। आप समझिएगा, CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड, यानी आपको बता दें यदि आपके ब्लड में ऑक्सीजन नहीं मिक्स नहीं है तो क्या कहलाएगा? वो एक अशुद्ध रक्त कहलाएगा। क्या कहलाएगा? कहना सर जी, वह अशुद्ध रक्त कहने का कार्य करेंगे हम, और फेफड़े के माध्यम से वह ऑक्सीजन विलय होकर आ जाता है और वो शुद्ध रक्त बनने का कार्य करता है। तो जो रक्त होता है, रक्त में दोनों प्रकार के, आपको बता दें, दोनों चीजों का परिवहन करता है। कहना सर जी, CO2 का भी परिवहन करेगा और O2 का परिवहन भी करेगा, दोनों चीजों का परिवहन करने का काम करेगा। आपको थोड़ा इस माध्यम से समझना चाहिए चीजों को, जिससे आपको समझ में आए कि एग्जामिनर किस प्रकार क्वेश्चन करने का कार्य करेगा और बेहतरीन एग्जाम पर परचम लहराने का कार्य आप लोग करेंगे। समझिएगा, यहाँ पर अगले पॉइंट की बात करें तो रक्त क्या करता है? उत्सर्जित पदार्थों का निष्कासन कौन करता है? एग्जामिनर आपसे इस प्रकार क्वेश्चन करता है, बताइए उत्सर्जित पदार्थों का निष्कासन कौन करता है? कहना सर जी, जो रक्त होता है, उत्सर्जित पदार्थों का निष्कासन करने का कार्य करता है, जो कि अति महत्वपूर्ण होने का कार्य करता है। अब आगे आप समझेंगे, थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, जो रक्त का तापमान होता है, रक्त तापमान को नियंत्रित करता है। रक्त क्या करता है? कहना सर जी, रक्त जो होता है, तापमान को नियंत्रित करने का कार्य करता है। यही कारण है कि मलेरिया यानी बुखार में हमें क्या स्पिनल यानी पीलिया या तिल्ली बोल सकते हैं इसको, प्रभावित होने लगती है। क्या होती है? पीलिया या तिल्ली प्रभावित होने के कारण शरीर का तापमान गिरने लगता है, गिरने लगता है। इसके लिए हम क्या खाते हैं, आपको बता दें, मलेरिया के जो मरीज होते हैं या डेंगू के जो मरीज होते हैं उनको क्या बोलते हैं, अंजीर खाने की सलाह दी जाती है। बहुत फायदा करता है इस चीज में, आपकी जो प्लेटलिस्ट की जो संख्या घटने लगती है उसको बढ़ाने का कार्य बहुत बढ़िया तरीके से करता है। जो रक्त के तापमान को नियंत्रित करने का कार्य कौन करता है? कहना सर जी, रक्त के तापमान को नियंत्रित करने का कार्य और बिल्कुल ब्लड करता है, रक्त करता है। इसके बाद आपको बता दें, तापमान के बाद इसके बाद मलेरिया के बुखार में क्या प्रभावित होता है? यानी स्पिनल पीलिया या तिल्ली प्रभावित होने के कारण हमारे शरीर का तापमान गिरने लगता है, जो कि एग्जाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनने का कार्य करता है। यहाँ पर आप बेफिक्र होकर लिख लीजिएगा, भैया जी SSC और SSC GD वाले तो हम भैया जी अमृत हो जाएगा। आप लोग ध्यान रखिएगा, अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। चीजें कहीं भी नहीं निकलेंगी, एक क्वेश्चन बाहर निकल जाए तो आप कह दीजिएगा कि सर जी यहाँ से क्वेश्चन नहीं आया। ऐसा होगा ही नहीं भैया, पूरा जब हम सारा पढ़ा देंगे आपको तो ऐसा हो ही नहीं सकता है कि क्वेश्चन यहाँ से ना आए, और यहाँ से नहीं तो कहाँ से, कहीं से कुछ बचा ही नहीं भाई। डिटेल NCERT डिटेल पैटर्न है भैया, कोई नहीं पढ़ाएगा फ्री में, मैं आपको फ्री पढ़ा रहा, कितनी बड़ी बात है। आप लोग पता है अपॉर्चुनिटी क्या है, बार बार दस्तक नहीं देती है आपको, ये आपका समय है अभी, आप बहुत बढ़िया तरीके से ये कोर्स आपको 4,000 रुपये में मिलेगा ना, ओ NCERT पढ़ेंगे और दो दिन पढ़ने के, अरे मजा नहीं आ रहा। फ्यूचर अकेडमी XYZ चलो वो उसी मजा आ रहा था, क्या फ़ायदा है, यहीं पे पढ़ लो फ्री में मिल रहा भाई, बहुत बड़ी बात है, कोई नहीं पढ़ाता यार, बता रहा मैं। इसके बाद समझिएगा आगे, लसिका को समझेंगे, लसिका क्या कहती है? यह हल्के पीले रंग का क्या होता है? यह हल्के पीले रंग का क्या होता है भैया जी? समझिएगा, यह हल्के पीले रंग का एक तरल पदार्थ होता है, तरल होता है, क्या होता है? तरल होता है। लसिका क्या होता है? यह हल्के पीले रंग का तरल होता है, इसमें HB नहीं पाया जाता है। अभी हम बताएंगे HB क्या है, सब बहुत तरीके समझाएंगे, तो समझिएगा। शरीर में बहुत सारी लसिका ग्रंथि पाई जाती है, शरीर में बहुत सारी लसिका ग्रंथि पाई जाती है, जिससे लसिका निकलकर आगे प्रभावित करती है, और लसिका प्रभावित से केवल बचाती है। क्या? लसिका केवल से प्रभावित से बचाती है। आप समझिएगा यहाँ पर चीजें कब महत्वपूर्ण होंगी, आप थोड़ा सा समझिएगा इस लाइन के बाद, यहाँ से पढ़ेंगे, यहाँ पर समझने का कार्य कीजिए, कहीं ना कहीं इसमें लाइन मिस्टेक होने का कार्य कर रहा है।
समझिए यहाँ पर, शरीर में अतिरिक्त जल को अवशोषित करने का कार्य लसिका में CO2 की अपेक्षा, लसिका में CO2 की अपेक्षा CO2 O2 की अपेक्षा CO2 अधिक होता है। O2 की अपेक्षा क्या होता है? CO2 अधिक होता है। आपको बता दें, जो लसिका होता है ना, प्रेमी होता है किसका? CO2 का प्रेमी होता है, इसलिए CO2 को अपने पास रखने का कार्य करता है। परंतु हमारे लिए जरूरी क्या है? O2 बहुत जरूरी है, तो यह O2 की अपेक्षा CO2 को अधिक महत्व देता है, क्योंकि यह लसिका का कौन है? कि नसबजी प्रेमी, यानी हीरो रांझा की कहानी इस प्रकार यहाँ पर हो जाती है। इसलिए हम CO2 को अधिक होते हैं। यह घाव को भरने का कार्य करता है। घाव को भरने का कार्य कौन करता है? कि नसबजी लसिका करती है। बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे हैं बचपन में वैसे कार्य किया करते थे, कहीं पर लग जाती थी या चोट वगैरह तो उसको खोंटते रहते थे, यानी उसको सही नहीं होने देंगे, दो दिन लगेगा, ओ माय गॉड ये तो सूख रहा है, फिर उसको खालसी निकाल देंगे। तो भैया जी वो परत होती है उसको क्या बोलते हैं? लसिका बोलते हैं। यह घाव भरने का कार्य करती है। यह रक्त में आरबीसी तथा प्लेटलेट, समझिए, यह रक्त में आरबीसी तथा प्लेटलेट में अंतर नहीं पाई जाती है। पोलियो की बीमारी में लसिका तंत्र होता प्रभावित हो जाता है। पोलियो की बीमारी भैया जी, लसिका तंत्र महत्वपूर्ण तरीके से प्रभावित हो जाता है। और आपने देखा होगा पोलियो की जो मरीज होते हैं वो विकलांग होने का कार्य करते हैं, जिससे कि उनके जीवन में अति महत्वपूर्ण तरीके से कष्ट उत्पन्न होता रहता है। आपको बता दें, बहुत बढ़िया तरीके से एक बार और करेंगे हम, समझिए, प्लेटलेट जो होता है इसे हम थ्रोम्बोसाइट भी कहते हैं। यह रक्त का थक्का बनाने में मदद करता है, अर्थात यह रक्त के बहाव को रोकता है। यह रंगहीन होता है, इसका जीवन काल 4 से 5 दिन का होता है। यह प्रति घन मीटर इसकी संख्या 2 से 3 लाख होती है। डेंगू की बीमारी में इसकी जो संख्या होती है 80,000 से कम होने लगती है। रक्त का कार्य क्या होता है? रक्त पचे हुए भोजन का परिवहन करता है। रक्त हार्मोन CO2 तथा O2 को परिवहन करता है। रक्त उत्सर्जित पदार्थों का निष्कासन करता है। रक्त तापमान को नियंत्रित करता है। यही कारण है कि मलेरिया के बुखार में स्पिनल पिनियल या तिल्ली प्रभावित होने लगती है और तेजी से तापमान गिरने लगता है। लसिका यह हल्के पीले रंग की होती है। इसमें HB नहीं पाई जाती, इसमें आयरन नहीं पाया जाता है। शरीर में बहुत सारी लसिका ग्रंथियां पाई जाती हैं। शरीर में अतिरिक्त जल को अवशोषित कर लेती हैं। जब लसिका अत्यधिक जल अवशोषित कर लेती हैं तो इसमें CO2 की अपेक्षा O2 की अपेक्षा CO2 अधिक मात्रा में होता है। मैंने आपको बताया जो CO2 होता है, CO2 उसका प्रेमी होता है, और प्रेम है ना, जन्मों जन्मों का प्रेम है भैया जी, इनसे प्रेम ना भुलाया जाता। तो इसकी हम कहते नहीं है, आप किसी से प्यार करते हैं और कोई और व्यक्ति हो तो आप उसी को ज़्यादा देंगे, मानेंगे कि नहीं भाई हम इससे प्रेम करते हैं। आप लोग प्रेमी तो भैया बैठे ही हैं, तो बहुत सारे समझ में आ गई होगी। हाँ, तो CO2 को अधिक महत्व देने का कार्य करता है। यह घाव को भरने का कार्य करता है। यह रक्त में आरबीसी तथा प्लेटलेट के अंतर नहीं बताती है तथा पोलियो के जो मरीज होते हैं इसमें लसिका तंत्र को प्रभावित करने का कार्य करती है। चीजें तो अति महत्वपूर्ण आप देख रहे होंगे कि अति महत्वपूर्ण सी महत्वपूर्ण देखने को चीजें मिली हैं। इसके बाद आपको बता दें कि चीजें एग्जामिनर इन्हीं क्वेश्चनों में से क्वेश्चन करने का कार्य करेगा, बशर्ते क्या है, आपको चीजों को समझना पड़ेगा जिससे कि आपके जीवन में कष्ट उत्पन्न ना हो। आपको पता होगा बाहुबली बैच है, बाहुबली बैच का एक और सिर्फ एक मोटिव है कि भैया जी सभी को बाहुबली बनाने का कार्य करना है। क्योंकि भैया जी आप समझिएगा, एक बात ध्यान रखिएगा, अगर आप सोचिए, थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाइए, कोई व्यक्ति आपको फ्री पढ़ा रहा है और पूरा कंटेंट में दम है भैया जी, आपको बता दें आवाज़ में दिक्कत हो सकती है, लाइटिंग में दिक्कत हो सकती है, पिक्चर क्वालिटी में दिक्कत हो सकती है, लेकिन कंटेंट में दिक्कत नहीं होगी। जरूरी क्या है आपके लिए, आप लोग खुद डिसाइड कर लीजिए कि स्मार्ट बोर्ड होना चाहिए, बेहतरीन सी आवाज़ होना चाहिए, पिक्चर क्वालिटी HD होना चाहिए। वह इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए कि कंटेंट जो आपको मिल रहा है अति महत्वपूर्ण कि वह है, आप लोग खुद डिसाइड कर सकते हैं। अधिकतर विद्यार्थी 18 साल के, नहीं वोटिंग लायक तो सभी लोग हो गए होंगे, वोट भी डाल रहे होंगे, एक साथ साथ एग्जाम की तैयारी भी प्रिपरेशन बहुत बेहतरीन तरीके से करने का कार्य कर रही होंगे। आप लोग बता दें, आप लोग टेंशन मत ले लिए,
बिल्कुल नहीं लगे भैया जी, कॉम्पिटिशन कतई कठिन नहीं है, बशर्ते क्या कि चीजें इतना पढ़ा दिया है जो मतलब कोई कोई भैया जी आप समझ लो आप स्पीडी से पढ़ोगे पूरी किताब खत्म करोगे 6 महीने लग गए। अब डिटेल से पढ़ा नहीं उनने, एग्जामिनर ने फिर घुमा के रख दिया सवाल। अब कहना सर जी ये क्या हो गया, हमने तो पूरा पढ़ा था। फिर कोई दूसरी किताब उठाओगे उसको रटोगे फिर टाइम खराब करोगे। अरे भाई एक बार में पूरा डिटेल से काई नहीं पढ़ लेते, डिटेल से जब पढ़ लोगे तो ये लूसन भूसन आपको बता दें जी स्पीडी सीडी तो है वैसे ही करो, ये तो सब पढ़ा है ये को तो कुछ है ही नहीं, अरे कह देना ये तो वैसे ही याद है। तो फालतू के चक्करों में ना पढ़ो, बेहतरीन तरीके से डिटेल में चीजें पढ़ो और बेहतरीन तरीके से ये राम सेतु बैच में भी जुड़ जाओ। जितने विद्यार्थी हैं राम सेतु बैच में भी जुड़ जाओ, क्योंकि महत्वपूर्ण कंटेंट यहाँ पर बायोलॉजी खत्म होगी, वहाँ पर हिस्ट्री खत्म होगी। जैसे ही यहाँ बायोलॉजी खत्म होगी या फिजिक्स या केमिस्ट्री स्टार्ट कर दूंगा, बढ़िया तरीके से आपको पढ़ाऊंगा। उसके बाद जहाँ पर वहाँ पर हिस्ट्री खत्म होगी वहाँ पर पॉलिटी प्रारंभ करने का काम करूंगा। उसका नाम भी हमने सोच लिया है, जो अगला बैच होगा उसका नाम होगा अग्निपथ। अग्निपथ अग्निपथ समझदार हैं सारे विद्यार्थी। तो बस जितने भी नए नए विद्यार्थी हैं जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, पुराने विद्यार्थी तो कर ही देते हैं उनसे कहने की आवश्यकता नहीं होती है। बस अब जो नए विद्यार्थी हैं भाई ध्यान रखिएगा, आप लोग हम आप लोगों का इतना ध्यान रखते हैं कि संडे को दिन भी क्लास ले लेते हैं, संडे की भी। सोचिए ऐसा कौन टीचर है जो संडे को भी क्लास लेता है, बट मैं संडे को भी क्लास ले लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। ध्यान रखिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और शेयर करके आइएगा अपने यार दोस्तों और चाहने वालों के साथ, क्योंकि आज की जो वीडियो थी कहीं ना कहीं बेहतरीन गजब लाजवाब होने का कार्य कर रही थी। इस साथ वीडियो को साफ करने का कार्य करते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप लोग। थैंक्स फॉर वॉचिंग।